कानपुर पुलिस ने नौकरी के बहाने अगवा कर फिर शारीरिक रूप से दिव्यांग करके बड़े बड़े शहरों में भीख मंगवाने वाले गिरोह को धर दबोचा। पुलिस ने गिरोह में महिला सदस्य समेत एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, साथ ही ग्रुप के अन्य सदस्यों की तलाश में छापेमारी कर रही है। डीसीपी साउथ ने बताया कि गिरोह के सदस्य काम की तलाश में भटक रहे लोगों को काम दिलाने के बहाने दिव्यांग करके बड़े शहरों में रेलवे और बस स्टेशन पर अन्य भीड़ भाड़ वाले बाजारों में भीख मंगवाते हैं, जिनसे प्रति व्यक्ति करीब 1 से 1.5 हजार रुपए की आमदनी होती है। अभियुक्तों से अन्य शिकार बनाए लोगों के संबंध में पुलिस पूछताछ कर रही है। गिरोह के सरगना राजनाकर और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 सदस्यों की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है। देखिए, एक थाना नौबस्ता में एक मुकदमा पंजीकृत किया था 363/22, 323, 325, 326, 328, 342, 370, जिसमें एक मजरूह व्यक्ति जो है सुरेश मांझी है। जब वो थाने पे आए थे और भी लोग उनके साथ में आए थे, तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया गया था और उनके द्वारा ये बताया गया था कि कुछ लोगों के द्वारा उनको बेच के दिल्ली में उनसे भिक्षावृत्ति का कार्य कराया गया था। जब पुलिस ने इसमें एफआईआर दर्ज करी और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी, हमने कई टीमें बनाई इसमें लोकल स्तर पे भी और दिल्ली के लिए भी, तो जो मुख्य अभियुक्त थे विजय, और उसके द्वारा ये भी बताया गया कि जो राज है, राज ही वहाँ पे रहता था, तो राज और राज की माँ, इन दोनों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMDNewsFlash।